नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर सिक्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुपर सिक्स में बात करेंगे एक मां की जो कचरे के ढेर में मिली है, क्या थी वजह ये आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कहां मिला है कचरे में खजाना। इसके अलावा बात होगी छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठे सवाल की, दो मामले हैं विस्तार से बताएंगे। वहीं बात होगी गोल्डन मैन ऑफ बिहार की, वो फिर से चर्चा में। वहीं खुलेआम नकल की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कहां से आई है ये तस्वीर। इसके अलावा मशहूर सिंगर आशा ताई का सोनू निगम ने अपने खास अंदाज से दिल जीत लिया, उस तस्वीर को भी आपको दिखाएंगे। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं खजाने की। जी हां, छतरपुर में एक तालाब की जब खुदाई होने लगी तो लोग हैरान रह गए। उनकी हैरानगी की वजह जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। देखिए, सालों से मिट्टी में दबा था खजाना, खुदाई में मिला खजाना। छब्बीस किलो की तोप को किसने गाड़ा? छतरपुर का खजुराहो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन इन दिनों ये तोप लोगों को हैरान कर रहा है। ये तोप 26 किलो वजनी और तालाब की खुदाई के दौरान मिला है। खजुराहो के पास ही खरोही गांव के रतन सागर तालाब की खुदाई हो रही थी, इस दौरान तोप मिला। इसे स्थानीय पार्षद के घर पर सुरक्षित रखा गया और पुरातत्व विभाग को जानकारी दी गई है। सर, यहाँ पे खुदाई के समय एक तोप निकला। अच्छा, कितना पुराना होगा लगभग? उसका तो काफी पुराना बताया जा रहा है, राजाओं के समय का है वो। अच्छा, राजाओं के समय का है। तो ये मिट्टी क्यों खोदी जा रही, कहाँ ले जा रहे हैं मिट्टी? जी सर, अपनी पर्सनली जिसकी कुराई उराई जैसे घर के लिए ले जाते, कोई लोग यहाँ पे एक खड्डा टाइप का, तो उसमें पर्सनली कुराई के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, तो तोप को देखा आप लोगों ने, कैसा दिख रहा है? गाँव वाले ही बता रहे कि वो दिखने में पुराने जमाने की ही है। हाँ। और समथिंग उसका वजन बताया जा रहा है कि 35 से 40 किलो की समथिंग है। तालाब की खुदाई में कुछ और भी पुरानी चीज निकलने की आशंका जताई जा रही है। तोप किस काल का है और किसका है, ये पुरातत्व विभाग की जांच से पता चलेगा। लेकिन गांव के लोग हैरान हैं और उत्सुक भी कि आखिर तालाब में और क्या छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात थप्पड़ की गूंज की। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों से मारपीट की दो घटनाएं सामने आई हैं। एक घटना बिलासपुर में हुई जबकि दूसरी मनेंद्रगढ़ में। दोनों घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल अब उठने लगे हैं। देखिए, खाकी का खौफ नहीं, वर्दी का रौब नहीं, कांस्टेबल को थप्पड़, पुलिसकर्मी से मारपीट, क्या बदमाश बेलगाम हो गए हैं? क्या खाकी का खौफ नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिलासपुर में जो कुछ हुआ वो आप भी देख लीजिए। रतनपुरा थाना इलाके में युवक ने सरेआम कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिए। थप्पड़ कांड का यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। थप्पड़ मारने के बाद युवक ने धक्का मुक्की भी की। छत्तीसगढ़ में दूसरी घटना मनेंद्रगढ़ में घटी, जहां शराब के नशे में धुत युवक पुलिस कर्मियों से मारपीट पर उतर आया। पुलिस की टीम को युवक के हंगामा करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस गई थी, लेकिन युवक ने न केवल बदसलूकी की बल्कि मारपीट कर तीन जवानों को घायल कर दिया। कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बदमाशी कर रहा है, उस सूचना पर थाने से पुलिस टीम रवाना की गई थी। उसमें तीन आरक्षक पहुंचे थे, जो एक शराब पिए हुए व्यक्ति था जो पुलिस के साथ कार शासकीय कार में बाधा उत्पन्न किया और झुमा झटकी किया, जिस पर जवान की रिपोर्ट पर धारा 353, 186, 323, 294 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसके द्वारा एक कृत किया गया उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें चोट भी आई है क्या? हाँ, अभी मेडिकल कराया है, मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाया है।
पुलिस ने आरोपी को जरूर पकड़ लिया है, कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल ये है कि दोनों ही मामलों में पुलिस का खौफ नहीं दिखा और जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ हो। अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें कि पुलिस सबक सिखा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्या कोई कचरे के ढेर में रह सकता है? नहीं ना, लेकिन हरदा में एक बुजुर्ग मां कचरे के ढेर में रहने को मजबूर है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्यों मजबूर है। दूर दूर तक कचरा फैला है, कचरे के बीच ये बुजुर्ग खोसी गई है। कचरे में कुछ खोजती, कुछ बीनती ये बुजुर्ग मां, ऐसी मां जिसे अपनों ने आसरा नहीं दिया, बेटा और बहू ने सुध नहीं ली और बुजुर्ग मानो उनके लिए कचरा बन गई। लेकिन क्या हुआ, बेटे और बहू ने सुध नहीं ली, मुंह फेर लिया, लेकिन कचरा फेंकने गए स्वीपर को ऐसा नहीं लगा। उसे लगा कि ये माँ और उनकी जगह कचरा नहीं हो सकती, लिहाजा तुरंत नगर पालिका के वृद्धाश्रम को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर माता राम को हम लेकर के आए हैं शहर का, मैं जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है वहाँ से हम इनको लेकर के आए हैं। वहाँ क्या कर रही थी माता जी? ये वहाँ पर लेटी हुई थी, जर्जर अवस्था में थी, शरीर में चोट के निशान थे और बीचों बीच जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, वहीं पे बिल्कुल दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कचरा पड़ा हुआ है। बुजुर्ग को कचरे से निकाला गया, वृद्धाश्रम पहुंचाया गया, उनकी हालत बेहद दयनीय थी, लिहाजा उनको नहलाया गया, साफ कपड़े दिए गए और खाने को दिया गया। इस वृद्धाश्रम में ये माँ दूसरी बार आई है, पहली बार बहू छोड़ गई थी, लेकिन दूसरी बार इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे कुछ समाज सेवियों ने देखा था, समाज सेवियों को भी वहाँ पे जो स्वीपर थे उन लोगों के माध्यम से पता चला था, फिर मेरे पास फोन आया, फिर मैं केशवर के थ्रू वहाँ पे उनको लेने गया, फिर लेकर के वृद्धाश्रम आया। इनके बहू छोड़ के गई थी? हाँ, कुछ वक्त पहले इनकी बहू भी लेकर के आई थी इनको, लेकिन ये स्वस्थ हो गई थी और ये कह रही थी कि मैं अपने घर जाऊंगी, 12 बंगले में मेरा घर है वहाँ पे फाइल में, तो वहाँ के नाम से निकली थी, लेकिन स्वस्थ थी, घूमती फिरती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति में मिली है। बुजुर्ग के दो बेटे हैं, एक बेटा लातूर में रहता है तो दूसरा हरदा में, लेकिन दो बेटों के रहते माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये हाल तब है जबकि हाल ही में बिलासपुर हाई कोर्ट ने माता पिता की देखभाल के दायित्व को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि माता पिता की देखभाल करना बेटों का दायित्व है। सवाल कोर्ट के फैसले का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस माँ ने बेटे को पालने के लिए जतन किए, जो माँ बेटे के बीमार होने पर रात रात जागी, उसे बेटा कैसे भूल गया? अपनी माँ को कोई कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? कानून ऐसे ही बेटों के लिए है जो संस्कार भूल गए हैं, जो इंसानियत भूल गए हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज 18, हरदा। सड़क पर कई मॉडल के बुलेट आपने चलते हुए देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह के बुलेट है। सोने की बुलेट की आप कल्पना कर सकते हैं, पर एक शख्स ने इसे सच कर दिखाया है। गोल्डन कलर की चमचमाती बुलेट पर 24 कैरेट का गोल्ड की परत है। किसकी है ये बुलेट और कितने की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है और कुछ ऐसा ही शौक है गोल्डन मैन ऑफ बिहार का। जी हाँ, ये टाइटल है जो चाहने वालों ने दिया है। असली नाम इनका प्रेम कुमार सिंह है। प्रेम कुमार भोजपुर जिले के हैं, लेकिन उनके गोल्ड के शौक ने उन्हें मशहूर कर दिया है और गोल्ड से इस प्रेम ने ही बाइक को गोल्डन मैन बनाकर अनोखा बना दिया। गोल्डन कलर की ये चमचमाती हुई सोने की बुलेट की सारी खासियत बुलेट वाली ही है, लेकिन इसके बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। लगभग 200 से 300 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है और ऐसा करने में करीब 13 से 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
अब उनकी ऐसा सब करने के पीछे की खासियत भी जान लीजिए। गोल्ड मैन ऑफ बिहार है, देश में दूसरा स्थान है, हमको देश में पहला गोल्ड मैन बनना है, तो जो हमारा हर चीज ईमानदारी की कमाई होते रहेगा और हर चीज मेरा गोल्ड के होगा, यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। बचपन से सोने से लगाव था, उम्र के बढ़ने के साथ उनका गोल्ड से प्रेम भी बढ़ता गया। शुरू में 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनकर वो चलते थे, अब ये आंकड़ा बढ़ गया है और 5 किलो 400 ग्राम हो गया है। गोल्ड मैन ऑफ बिहार हम नहीं बोलते हैं, पूरा बिहार के लोग बोलता है, देश के लोग बोलता है। 5 किलो 400 ग्राम है, पहले 5 किलो 200 ग्राम था, 2-250 के एक बढ़ा है, अभी नया लिए हैं। प्रेम कुमार सिंह नीतीश कुमार के बड़े समर्थक भी हैं और गोल्ड के जरिए वो उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। बदलते बिहार हैं हम, सुशासन के अखबार हैं हम, विकास के प्रचार हैं हम, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए किए हैं उनका शुक्रगुजार हैं हम। गले में सोने की अलग अलग मोटी चेन, सभी उंगलियों में रिंग, कलाई पर भी आभूषण के बाद अब तो सवारी भी सोने की हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा गोल्ड पहनकर चलने वालों में प्रेम कुमार सिंह का नाम होगा। प्रेम कुमार का लक्ष्य 8 किलो सोना पहनकर चलने का है, उम्मीद है वो इसे आने वाले समय में पूरा करेंगे। हाँ, सुरक्षा का उनको खासा ध्यान रखना होगा, इसके लिए वो बाउंसर्स पर खासा खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तरकाशी का गोमुख तपोवन ट्रैक ट्रैकर्स की पहली पसंद बनते जा रहा है, यहां सैलानियों के अलावा ट्रैकर्स की भीड़ लगने लगी है, क्या है इसकी आखिर वजह, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। भागीरथी मैया की, भागीरथ वंदे वंदे। गोमुख तपोवन ट्रैक का दीदार करने बड़ी संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं। इस ट्रैक पर देहरादून का 21 सदस्यीय दल गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग करके लौटा है। इस दल ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तपोवन क्षेत्र में योग भी किया, साथ ही तपोवन क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया। मैंने अपना ये ट्रैक गंगोत्री से स्टार्ट किया था, गंगोत्री से चीड़बासा, चीड़बासा से भोजबासा, भोजबासा से तपोवन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कमिंग बैक। सो ड्यूरिंग दिस ट्रैक वी हैव फाइंड लॉट ऑफ फैसिलिटेशन बाय द हिमालयन हाइकर्स। बस तकरीबन गंगोत्री से 15 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है, फिर उसके बाद हम अगली सुबह गए हैं तपोवन के लिए, और जहां हमने ट्रॉली से नदी, गंगा नदी जो पार की है, उसका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था, ऑसम था, हम कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। गोमुख ट्रैक पर ट्रैकर गंगोत्री ग्लेशियर से होकर गुजरते हैं, इसलिए ये ट्रैक रोमांच के लिए शानदार माना जाता है। यहाँ की सुंदरता सैलानियों के मन को मोह लेती है। 3 महीने पहले मैं केदारकंठा गई, तो इस बार मैंने गोमुख और तपोवन वाला ट्रैक किया, और ये बेहद ही बहुत ही खूबसूरत एक ट्रैक है, और कभी भी कोई इंसान हिमालय की गोद में आ नहीं सकता, इतना खूबसूरत वातावरण, इतनी शांति। मुझे लगता है अब कभी भी मुझे अगर छुट्टी चाहिए तो शायद मैं बार बार उत्तराखंड आऊँगी। तपोवन सिर्फ दृश्य है हिमालय के, आपके मेरू पर्वत है, शिवलिंग है, देवी शिवलिंग है, और भागीरथी जो खूबसूरती है उसके सभी पर्यटकों द्वारा दीदार किए गए, और वहाँ पर पूरे अभियान के द्वारा एक स्वच्छ अभियान भी चलाया गया, और फिर अब ये बहुत ही खूबसूरत घाटी है। गोमुख तपोवन ट्रैक से माउंट शिवलिंग की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखती हैं। इसके साथ ही प्रकृति के सुंदर नजारे बार बार सैलानियों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। मुरैना में नकल माफिया इस कदर सक्रिय है कि बीएससी और बीए के एग्जाम में खुलेआम नकल कराई जा रही है। नकल कराने का वीडियो भी सामने आया, मोबाइल और गाइड के जरिए छात्र सरेआम नकल करते देखे गए। बाद में तहसीलदार को इसकी शिकायत मिली तो वो मौके पर पहुंची, और यहां ये कहा जा रहा है कि प्रशासन इसकी रिपोर्ट जिवाजी यूनिवर्सिटी को भेजेगी, साथ ही कॉलेज को भी नोटिस दिया जाएगा।
सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंगर सोनू निगम आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान करते हुए दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में हुए एक इवेंट में मशहूर सिंगर आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन स्टेज पर सोनू निगम ने कुछ ऐसा किया जिससे आशा ताई भी हैरान रह गई, उनकी आंखें नम हो गई। इस मौके पर सोनू निगम ने स्टेज पर गुलाब की पंखुड़ियों से आशा भोसले के पैर धोकर उनका सम्मान किया। देखिए कैसे सोनू निगम आशा ताई के पैरों के पास बैठे, फिर कुछ लोगों ने उन्हें एक छोटा स्टूल, पानी की एक थाली और तौलिया दिया। सबसे पहले सोनू निगम ने आशा भोसले जी के पैरों को चूमा, उन्हें अपने माथे से लगाया और इसके बाद सिंगर ने आशा ताई के पैर धोकर उनका सम्मान किया। सोनू ने आशा ताई के पैर भी पोछे। मंच छोड़ने से पहले सोनू ने आशा ताई की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़े और उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर सोनू निगम ने कहा, आजकल सोशल मीडिया पर गाना सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले सीखने के लिए सिर्फ लता जी और आशा जी ही थे। इन्होंने पूरी दुनिया को गाना सिखाया। आशा ताई से हमने बहुत कुछ सीखा है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया पर सोनू निगम का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह सोनू निगम ने आशा ताई का सम्मान किया, उनके पैर धोए, ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और यही हमारे संस्कार है। वहीं इवेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जहां कुछ लोगों ने सोनू की तारीफ करते हुए लिखा कि यही होते हैं संस्कार। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों और दर्शकों ने सोनू निगम की जमकर तारीफ की और जिस तरह से उन्होंने आशा ताई का सम्मान किया उसको सराहा। अब सोशल मीडिया पर सोनू निगम का ये वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। पानी की जिन प्लास्टिक बोतल को खाली होने के बाद लोग कचरे में फेंक देते हैं, वो कितने काम की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझेंगे आप भी कि आखिर उनका क्या किया जाता है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि सोफा और सेंटर टेबल पानी की खाली प्लास्टिक बोतलों से बनाया गया, जो न सिर्फ देखने में आकर्षक नजर आ रहा है बल्कि बेहद हल्का है, जिसे छोटे बच्चे भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह सोफा किसी कारीगर ने नहीं बल्कि स्कूल की शिक्षिका ने बनाया है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। ही पानी पीने वाली बोतल से याद आती है, जिसे अक्सर पानी खत्म होने के बाद फेंक दिया जाता है, लेकिन यही बॉटल्स कितने काम की हैं इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स से बनाए गए सोफ़ा और टेबल है, सेंटर टेबल, जिसे स्कूल की एक शिक्षिका ने बनाया है और इन्होंने अपने हाथ से इन्हें तोड़कर जोड़कर फिर इस आकार में बनाया कि इस पर लोग बैठ सकते हैं। मैं आपको बैठकर भी दिखाता हूँ कि इसमें कितने आराम से बैठा जा सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि वेस्ट कही जाने वाली चीज़ों को, कबाड़ कही जाने वाली चीज़ों पर सही ढंग से नज़र डाली जाए और उनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो वो बेहद काम की चीज़ें बन सकती हैं। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरा ये आइडिया उनके दिमाग में आया और किस तरह से उन्होंने इसे बनाया। मैडम, ये
बेहद क्रिएटिव आइडिया है, कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे इसको पूरा अंजाम दिया? सर ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि हमने बहुत सारी वाटर बॉटल्स इधर उधर फीकी पड़े देखते हैं, रास्ते में चलते तो भी फीके पड़े देखते हैं। जब मेरे घर एक सेलिब्रेशन हुआ तो मैंने देखा बहुत सारी बॉटल मेरे घर इकट्ठी हो गई थी, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इनको फेंका क्यों जाए, इसको कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो किसी के लिए बहुत लाभदायक भी हो और वो रचनात्मक भी हो और वो इको फ्रेंडली, मतलब वो एक इन्वायरमेंट के को पॉल्यूशन से भी हटाए। तो मैंने इस तरह से दिमाग लगा के इस चीज़ों को बनाया। प्लास्टिक बेहद नुकसानदायक भी है पर्यावरण के लिए, तो इनको फेंकने की बजाय अगर लोग इनका क्रिएटिव यूज़ करेंगे, कुछ बनाएंगे, उससे नई चीज़ें बनाएंगे, तो वो उनके भी उपयोग में आएगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। और इसी के साथ ही सुपर सिक्स में आज के लिए इतना ही।